तो नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं भी गोलकंडा फोर्ट में हूं और अभी मैं यहां पे टॉप पर पहुंच चुका हूं गोलकंडा फोर्ट के। हमारे साथ एक गाइड था, वो गाइड ने हमें सारी बातें बताई और इस वजह से मैं नीचे से ऊपर आते वक्त वीडियो नहीं बना पाया, बट अब यहां से नीचे जा रहा हूं तो वीडियो बना के आपको पूरा जो ये एरिया है ये दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए पीछे, ये पूरा पीछे आपको हैदराबाद दिख रहा है और ये पूरा किला है नीचे। देखिए यहाँ से आगे आके फिर ये नीचे का रास्ता है जाने के लिए। ये किला काकाती डायनेस्टी में 11 सेंचुरी में बनाया गया था। चलिए नीचे की ओर ले चलते हैं। ये देखिए यहीं से ये बीएम ऊपर की ओर गए थे और वापस अभी नीचे की ओर जाएंगे। इस फोर्ट के टॉप पे आने के लिए 3-4 रास्ते हैं। यहाँ से फिर अभी हम वापस नीचे की ओर चलेंगे। ये देखिए किले की 4 दीवारी। ये देखिए ये हमारे साथी गुलबहार मैम, ये हमारे अन्य साथी। और यहाँ से आगे जाते वक्त देखते हैं कि ये एक मंदिर है, यहाँ पे हिंदू टेंपल और मस्जिद दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। आपको मैं यहाँ से अंदर की ओर ले चलता हूँ। देखिए ये श्री जगदम्बा टेम्पल है और यहाँ से हम अंदर जाएंगे। सर ऊपर जा सकते हैं यहाँ से? यहाँ से फिर हम ऊपर जा रहे हैं। देखिए माता जी की मूर्ति बनी हुई है। ये देखिए पत्थर कैसे है, इतने ऊपर पत्थर कैसे होगा ये? ये देखिए तोप लग रही है। ये देखिए ये है सामने, आप पूरा हैदराबाद शहर देख रहे हैं। और नीचे ये जो आप मस्जिद दिख रही है, इसी मस्जिद के बिहाफ पे 4 मीनार बनाई गई है। और अभी जहाँ हम थोड़ी देर पहले थे ऊपर जो किला है वहाँ पर थे। और ये देखिए यहाँ पर ये पत्थर पे ओम का निशान बना हुआ है। चलिए मंदिर से नीचे की ओर हैं। यहाँ से नीचे की ओर। हेलो मैम, वेयर यू फ्रॉम? वेयर यू फ्रॉम? साउथ अफ्रीका, साउथ यूरोप। सो यार तो अब नीचे की ओर जा रहे हैं। ओके सर। मैं एकदम नीचे आया हूँ और यहाँ से आगे चलेंगे। हमारा था वो इस रास्ते पे था और ये मस्जिद है और इसी के बेस पे फिर 4 मीनार आर्किटेक्चर बनाया गया। और जो आगे रास्ता है और यहाँ से भी हम नीचे की ओर जाएंगे। देखिए पूरा किला है। ये हमारे साथी लोग फोटो खींच रहे हैं यहाँ पे।
यहाँ से नीचे की ओर चलते हैं। साइड प्लीज, साइड प्लीज, साइड प्लीज। यहाँ से फिर अभी हम नीचे की ओर चलते हैं। ये देखिए, ये है पूरा हैदराबाद शहर। कितना प्यारा है। अभी हम इस रास्ते से ऊपर गए थे और वापस यहाँ से फिर हम एग्जिट हो रहे हैं। चल फ्लोर। तो यहाँ आपको मंदिर भी मिलेगा, मस्जिद भी मिलेगा। ये देखिए कुछ गुफाएं हैं मेरे ख्याल से। यहाँ देखिए नीचे गहरा है पूरा, अंदर बंद कर रखा है ये फिलहाल। तो यहाँ से फिर नीचे की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ प्रॉपर क्यों ले चलते हैं आपको। यहाँ इस हाइट पे लोग पहरेदारी करते थे। देखिए सामने भी किया है, डिफरेंट मल्टीपल एंट्री और एग्जिट है यहाँ पर। देखिए पूरे साथी हमारे युवा संगम के आ रहे हैं। और नीचे आ गए। ये पंत है खाना सा क्या है। चेहरे पे 12 बज चुके हैं, सफर कर रहे हैं, नींद भी नहीं हो रही है। मैंने रखा थे उतरते ही। आज हम ग्रहण नहीं करेंगे तो इसके नाम धुआं हो जाएगा। धुआं तो आने के नाम सस्ता विराट कोहली। देखिए यहाँ थे अभी हम टॉप पर और यहाँ से वापस हम नीचे की ओर जा रहे हैं। भैया और अभी हमें और आगे जाना है। यहाँ से फिर नीचे की ओर चलते हैं। हमारे साथ हर जगह पर फोटो खिंचा रहे हैं, उन्हें कहीं सुकून ही नहीं मिल रहा है। यहाँ से फिर नीचे की ओर चलते हैं। यहाँ पे तोप है, ये देखिए ये एंट्रेंस। यहाँ तोप है, देखिए तोप है। ये तोप देखिए। अभी हम यहाँ टॉप से ऊपर आए थे और अब हम इस तरफ आपको ले चलते हैं। तो सीढ़ियां हैं और ये देखिए अंदर तहखाने से लग रहे हैं मुझको, तो मालूम नहीं उस टाइम क्या रहा होगा यहाँ पे। अब यहाँ से ऊपर तो हम आपको लेके चलते हैं। ये साथ लोग सब वहाँ फोटो खिंचा रहे हैं और मैं आपको ये जगह दिखाने के लिए यहाँ ले आया हूँ। पतली गली है। देखिए
ये सब किले के हिस्से हैं। कुछ आस पास हैं, कुछ दूर अलग अलग गुफाएं भी हैं, इसके अंदर अलग अलग जाने के रास्ते हैं। ये देखिए इतने ऊपर आ चुका हूँ मैं, जाने के रास्ते भी अलग अलग हैं और वापस आने के भी रास्ते अलग अलग हैं। ये देखिए ये है पूरा किला, चलिए ऊपर की यात्रा हो गई है, अब इस तरफ देखते हैं इस तरफ क्या है। ये भी गुफा जैसी है, यहाँ पे सैनिक रहा करते थे, सैनिक की टुकड़ियां इसके अंदर रहती थी। ये सामने पूरा गार्डन है जो आप देख रहे हैं, ये देखिए किला गोलकंडा के बारे में लिखा हुआ है और आप इसको उसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़िएगा इसको। और यहाँ से फिर हम चलते हैं वापसी की ओर। अंदर कैमरा स्टैंड अलाउ नहीं था इसलिए हाथ से ही वीडियो बनानी पड़ रही है। देखिए सामने इस तरफ देखें क्या है। हाँ तो ये है तारामती मस्जिद, तो सामने आप ये देख रहे हैं ये तारामती मस्जिद है। तो यहाँ से फिर किले से ऊपर जाने का रास्ता होगा। यहाँ से हम वापस नीचे की ओर जा रहे हैं मेन द्वार की ओर। आपस अगल बगल में अच्छा ये फुलवारी कर रखी है, देखिए पत्थर। ये काफी अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस है, आप अगर हैदराबाद आए तेलंगाना आए तो यहाँ जरूर आइएगा, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती आप देख ही रहे होंगे। कम समय में इतना कवर करना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है, लेकिन जितना भी अब चलते हैं इस तरफ। अलग अलग रास्तों से मैं आपको लेके जा रहा हूँ। ये देखिए अभी जो मैं यहाँ इस तरफ था और यहाँ से फिर ये एग्जिट इधर है। यहाँ पर देखिए अंदर बनाया गया है और यहाँ पर कुछ एग्जीबिशन लगा है। ये देखिए इसके बारे में बताया गया है यहाँ पर।
इस फोर्ट की भी पूरी देख रेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही करती है। चलते हैं वापस हम इस गुफा की ओर। हाइट काफी छोटी है इसकी। बस ये फोर्ट था। ये वीडियो खत्म होने की ओर है। फोर्ट से हम नीचे मेन गेट पे लगभग पहुंच ही गए हैं। ला लगा तुम रुको मैं। जब भी कभी आप हैदराबाद तो गलकोंडा फोर्ट में जरूर आइएगा। काफी कुछ एक्सपीरियंस होगा आपको यहाँ के बारे में। लगभग 11वीं शताब्दी में ये बनाया गया था और यहाँ देखिए ये पार्क बनाया गया है। वापस हम नीचे की ओर आ गए हैं। एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे क्लैप करेंगे तो एक साउंड आएगा। मैं खाते से क्लैप करना। बट वहीं अगर आप यहाँ पे क्लैप करेंगे तो उस तरह का साउंड नहीं आएगा। देखिए मेरे साथी सब क्लैपिंग कर रहे हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर पहले अगर यहाँ से यहाँ हम क्लैप करते थे और यहाँ से ऊपर टॉप में मीनार में किले पे आवाज़ आती थी तो कम्युनिकेशन था एक तरह का यहाँ का। तो चलिए बाहर की ओर चलते हैं। यहाँ से बाहर की ओर चलते हैं। तो वापस इस फोर्ट के हम बाहर आ गए हैं और इस तरफ देखते हैं यहाँ क्या है। यहाँ पे भी देखिए ये एंट्रेंस है और देखिए कितने बड़े बड़े किले हैं। अरे ये चलो कुछ नहीं बताया। तो यहाँ से इस तरफ चलते हैं। तो फाइनली हम नीचे आ चुके हैं। वैसे रास्ता मेरे को नीचे से ऊपर शुरू करना चाहिए था लेकिन मेरे को यहाँ के बारे में मालूम नहीं था, इस वजह से मैंने कुछ कोशिश की कि ऊपर से पहले थोड़ी नॉलेज ले ली जाए फिर आपको बताया जाए। और ये वीडियो बस यहीं पे ख़त्म होता है। ये देखिए यहाँ पे आप टिकट ले सकते हैं। ये मार्केट है आगे, यहाँ सामने आप मस्जिद देख रहे होंगे। और तो चलिए चलते हैं, आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।